चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह बिथोड़ी का विवादित वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि बिथोड़ी ने बेटे की नौकरी के गुहार लेकर आए बुजुर्ग की पगड़ी को लात मारकर उछाल दिया। ये वीडियो साल 2021 का है, लेकिन अब सामने आया है। मामले में विधायक ने अपना पक्ष रखते हुए इसे एक सोची समझी साजिश बताया है। बिथोड़ी अपने बेकाब बयानों के चलते अक्सर विवादों में आते रहते हैं। कुछ समय पहले पुलिस अधिकारी को फोन पर गालियां देने के विवाद में भी घिर गए थे। वीडियो में नजर आ रहा है कि विधायक 3-4 लोगों के साथ हैं। उनके सामने एक बुजुर्ग आता है और अपनी पगड़ी उनके पैरों में रखकर घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ जाता है। विधायक गुस्से में गाली देकर उसकी पगड़ी को ढोकर मार उछाल देते हैं। फिर बुजुर्ग खड़ा होकर अपनी जेब में से एक कागज निकालकर विधायक को दिखाता है। विधायक और पास में खड़े लोग उसे कुछ कहते हैं और बाहर चले जाते हैं। पीछे से बुजुर्ग एक सोफे के पास कागज लेकर खड़ा रहता है। वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग गंदेलिया गांव के रहने वाले किसान लोभी राम गुज्जर हैं। किसान का कहना है कि काम करवाने गया था, लेकिन पकड़ी उछाल कर मेरी इज्जत खराब की गई। वहीं किसान के बेटे मुकेश गुज्जर ने कहा कि वीडियो 2021 का है। मेरे पिता बेंगू स्थित मेनाल रिजॉर्ट में विधायक से मेरे लिए नौकरी की मांग करने गए थे, लेकिन उन्होंने मेरे पिता की पगड़ी उछाल दी। किसान के बेटे ने कहा कि वीडियो सोमवार रात का है, जहां मंगलवार सुबह विधायक ने मामले को खत्म करने के लिए अपने 2 आदमी हमारे खेत पर भेजे थे। उन्होंने पैसे भी देने की कोशिश की, लेकिन हमने लेने से मना कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद किसान ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, हमारी इज्जत खराब हुई है। किस तरह की घटना हुई थी आपके साथ? हमारे मतलब घटना तो बहुत बुरी हुई है। क्या हुआ था? रीतिया भी ज्ञान लुगई भी जी लुकमा भी जी सब भराई ठीक है, अनकागड़ी भी ले गया। आप विधायक जी के पास पहुंचे थे, क्या हुआ था? बाद में उदय के पास गया तो मैं भी मर सरो दान की लग जाए आराम की 3 महीने तो मारे 2 भीसा आए करे तो मां खबा को दान हो जाए मां क्योंकि नियम नहीं उठी जाए फागड़ी की लाद गिरी जाए कि उतनी सिर जल्दी पड़ी होगी हटाया ऐसा कुत्ते यहाँ से आया क्यों जो सब रहने वाले हो आप? गंजली रहने वाले। मेरा नाम नरेश फौजी, मैं बेगू का रहने वाला हूँ। किस तरह की घटना सामने आई थी? ये घटना साहब 2 साल पुरानी घटना है। होटल के माध्यम से ये वीडियो हमारे को कल रात को 2 बजे हमारे सामने आया। ये बुजुर्ग आदमी होटल में माननीय विधायक साहब से मिलने गया था। कौन? राजेंद्र सिंह विदोड़ी बेगू का। तो उनसे मिलने गया था कि मेरे परिवार के साथ 5 लाख रुपए गए, मेरे बेटे की लुगाई गई, पैसे गए, तो मेरे गरीब बेटे को आप नितिन फैक्ट्री में लगा दो। माननीय विधायक साहब की बिना मर्जी और बिना इशारे के नितिन फैक्ट्री में कोई हवा नहीं चलती है, तो उनके इशारे पे गए तो मेरे बेटे को नितिन लगा। तो बुजुर्ग आदमी ने उनके हाथ जोड़े पांव पकड़े और मेवाड़ की मान सम्मान पगड़ी उनके पांव में रखी, तो माननीय विधायक साहब ने पगड़ी के लात मारी, पूरी होटल में घूम रही। वीडियो के माध्यम में आप सब लोगों के सामने वो वीडियो आपके सामने आया। तो हम ये चाहते हैं कि मेवाड़ की पगड़ी इतनी कमजोर नहीं है जो कोई दिल्ली का बाहर का आके हमारी पगड़ी पे लात मारेगा। हम उसको जवाब मांगेंगे और मेवाड़ का मान सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। अगर उस पगड़ी का उसने जवाब नहीं दिया तो अब इस मेवाड़ की धरती में घुस के दिखाए। हम लोग सब इस बुजुर्ग आदमी के साथ हैं और कभी इस अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये धरती है राणा की धरती है, ये धरती मेवाड़ की है। ये अपमान इस बुजुर्ग आदमी का नहीं है, ये अपमान पूरे मेवाड़ का है, 36 कौम का अपमान है। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और राजेंद्र सिंह विदोड़ी को तो दूर की बात, इस मेवाड़ के किसी कोने में घुस के दिखा दे। इतने दिन तो पुलिस के दबाव में लोगों को धमकी देके लोगों को घरों में छुपा देता था, लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है, इसीलिए बुजुर्ग आदमी आजाद हो चुका है। अब ये बेझिझक होकर आपके सामने अपनी आवाज रख रहा है। हम अभी किसी के सामने डरने वाले नहीं है। इस आवाज को हम एसपी साहब के सामने लाया कि हमको न्याय दे, इस बुजुर्ग का अपमान किया उसका मान सम्मान किया जाए और वो पगड़ी माने राजेंद्र सिंह विदुड़ के हाथ से वापिस ये पगड़ी इसके सिर पे रखी जाए। हम वापिस उसको भी माफ नहीं करेंगे। बेगू एमएलए, ये जो 2021 का वीडियो डाला ये सब एडिक्टेड है और फेक है। ऐसा ना मैंने किसी को साथ दुर्व्यवहार किया है, ना किसी को अपमानित किया है। ये सब एडिक्टेड करके डाला है। ये व्यक्ति मुझसे मिलने आया था तो मुझे कहने लगा कि अचानक इसने अपनी पगड़ी जमीन पर रख दी। मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने कहा पगड़ी उठाओ और बांध के फिर मुझसे बात करना। तो बांध के बाहर मुझसे जब गेट के बाहर बात की तो इसने मुझे कहा कि मेरा बेटा किसी की बेटी को नाता ले आया, नाते के मैंने 7 लाख रुपए दिए और लड़की भी वापस चली गई। मैंने कहा बाप विवाद नाता पर था, कानूनी अपराध है, आप पुलिस में जाओ, मैं जो भी चीज़ें हैं सामाजिक स्तर पर ठीक रखूँ। तो इसने कहा कि नहीं मैं पुलिस में आप फ़ोन कर दो। मैंने कहा मैं पुलिस में फ़ोन नहीं करता किसी के खिलाफ भी, आप जाओ और कानूनी
कार्रवाई करनी है तो सामाजिक स्तर पर भी करो और अपने आप इस चीज़ को सुलझाओ। इतना कह के मैं निकल गया। उसके बाद ये सब एडिटेड करके 2 साल पुराना वीडियो को मेरी छवि खराब करने के डाल रहे हैं, क्योंकि मैं चुनाव जीत रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना ली है। विरोधियों को ये चुनाव के दिन ये मौके पे नकली वीडियो डालने की, एडिक्टेड वीडियो डालने का चलन होता है सोशल मीडिया पे। तरह तरह के वीडियो हर किसी के खिलाफ आते रहते हैं। मैं इस वीडियो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा, किसने भी डाला है और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। मैं फिर जनता से अपील करता हूँ, ऐसे झूठे और फेक वीडियो पर विश्वास नहीं करें। और राजनीति में ये आए दिन चुनाव के टाइम ये सब चलता रहेगा।